मैं इस वक्त पहुंच गया हूं चोटी दरीन के इलाका में। आज अफसोसनाक वाकया हुआ है रमदानी चौक बस्ती छानी के करीब। इस नहर में ट्रैक्टर ट्राली जा गिरी है, जो मुतद्दद इफराद जाँ बेहक हो गए हैं। मुतद्दद इफराद जो हैं उनकी लाशें निकाली जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन के जो ट्रैक्टर ट्राली हादसा यहाँ हुआ है, ये ज़ायरीन जा रहे थे साकी सरवर मेले पर और रास्ते में रमदानी चौक के करीब यहाँ ट्रैक्टर का ब्रेक जो फेल हो गया, इस नहर में ट्रैक्टर जा गिरा है, जिनकी इतला रेस्क्यू को दी गई है। मकामी अहल इलाका यहाँ लोग पहुँच चुके हैं, लाशों को निकाल लिया गया है। बाकी जो लाशें उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अहल इलाका भी यहाँ इकट्ठा हो चुका है। तकरीबन रेस्क्यू की 40 से ज्यादा गाड़ियाँ और अमला बर वक्त यहाँ पहुँच चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, बाकी लाशों की जो तलाश है वो जारी है और अहल इलाका भी पहुँच चुका है। यहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी है। रेस्क्यू के मुतद्दद गाड़ियाँ 40 से भी ज्यादा जो गाड़ियाँ यहाँ तक यहाँ पहुँच चुकी हैं, मुतद्दद गाड़ियाँ 40 से भी ज्यादा गाड़ियाँ यहाँ बर वक्त पहुँच चुकी हैं। लाशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक ताहाल जारी है, लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते कि इस नहर में कितनी लाशें हैं। और जो वुरसाए वो भी सही नहीं बता रहे कि उनके कितना अफराद ट्राली में, जो अफराद मौजूद थे ट्राली में, क्योंकि वो खुद जो उनके वुरसाए वो परेशानी के आलम में अभी तक कुछ नहीं बता रहे कि हमारे कितना अफराद थे, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन है नाजरीन, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वुरसा अभी तक बिल्कुल परेशान है, वो कुछ नहीं बता पा रहे कि हमारे अफराद कितनी है। हम मालूम नहीं हासिल कर सके कि कितना अफराद या अंदर है या कितना अफराद ट्राली में थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इंशाल्लाह हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, इनकी कवरेज कर रहे हैं।